यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आए।
रिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। बच्चे सुन्न हो जाओ, किसके लिए? संसार के लिए। अभी संसार का उमंग उत्साह काफी हुआ, नौकरी धंधे का, घर बार का, परिवार का उमंग उत्साह काफी हुआ, समझ की बात है बच्चे। इसलिए संसार को लेकर पूर्ण रूप से सुन्न हो जाओ, पूर्ण रूप से सुन्न हो जाओ। देखो बच्चे, श्रीमत है मेरी, मैंने तो हजार बार श्रीमत दिया है पर बच्चे मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, इसलिए मैंने बैन कर दिया है, यहाँ लेना। क्योंकि जो मेरी बात ही नहीं मानते उनको मैं क्या पढ़ाऊँ और यहाँ क्यों लूँ, बात समाप्त होगी। तुम संसार छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, घर बार छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, तुम्हें यहाँ क्या अलाव करना और क्यों अलाव करना? तुम सुन्न हो ही नहीं गए हो संसार को लेकर, और तुम चाहते हो ऊंच पद मिल जाए। ये कैसे पॉसिबल है बच्चे? ये नहीं हो सकता, समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से पूर्ण रूप से, देख संसार को लेकर सुन्न हुआ है क्या या अभी भी होना बाकी है? संसार को लेकर कब हो जाएगा बच्चे? इवन बाप तो कह रहा है अशरीरी बनने का अभी समय है, माना शरीर को लेकर भी सुन्न हो जाना है। तू कहाँ है बच्चे? तू चाहता है ऊंच अवस्था को पाए पर तेरी सुन्नता नहीं आई है मायावी, समझ की बात है। देख बच्चे, सुन्न अवस्था में कब जाएगा, कौन लेके जाएगा तुझे उस सुन्न अवस्था में, चिंतन कर। इसलिए जब तक संसार से बाहर नहीं निकलता तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा, और बच्चे प्रयास भी ना कर। क्यों प्रयास कर रहा है? इससे अच्छा जी भर के संसार जी, और अगर भाग्य हुआ तो निकल और अपना उद्धार कर। पर अभी क्या हो रहा है, न संसार जी पा रहा है न अध्यात्म उसमें ऊंच उठ पा रहा है, समझ है बच्चे? बच्चे देख, संसार कब त्यागेगा? क्योंकि ये संसार समाप्ति के बाद का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने वाले जो भी है तेरे आइडल, जिन्हें तो आदर्श मानता है, उसमें से एक बता जिसने संसार में रहकर ये किया है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, जगदीश भाई जी, दादिया, तो तू किसे फॉलो कर रहा है? तेरे फॉलो करने की बात कहाँ पर है बच्चे? तू किसको फॉलो कर रहा है? फॉलो कौन हो रहा है तेरे द्वारा, देख और मुझे बता जरा, समझ की बात है सारी। तू किसके कदमों पर कदम रख के चल रहा है, विचार कर और बाप को बता। क्योंकि जिन्होंने ये सब किया है उन्होंने तो संसार त्याग दिया है, तो तू कहाँ से चल रहा है, किसके हिसाब से चल रहा है, मुझे भी बता जरा। ऐसा कौन है जो इस रास्ते पर चलकर संसार में रहते चला है और उस अवस्था को पाया है? बच्चे ध्यान से चेक कर, तू गफलत में है? ऐसा एक भी हो जो संसार में रहकर चला है, नौकरी धंधा घर परिवार संभालते, एक भी? तो भी बच्चे तो उस अवस्था को पा जाएगा, पर ऐसा कोई नहीं है इस राह पर। एटलीस्ट ये जो बाबा की राह है, ओम मंडली की, ब्रह्मा कुमारीज की, इस पर कौन है जो संसार में रहते चला है, बता जरा, समझ है बच्चे? कोई नहीं है, सबको संसार छोड़कर ही चलना पड़ा है, तो तू किसके भरोसे चल रहा है? तो तुझे मिलेगा भी क्या, भरोसा क्या है तेरा, बता, समझ है बच्चे? इसलिए संसार में रहते नहीं चलना है, कुछ नहीं मिलेगा,
कुछ भी हाथ नहीं आएगा, संसार त्याग कर ही सब हाथ आएगा। क्योंकि संसार में रहते अगर तेरे हाथ कुछ आया तो वह संसार के लिए लग जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी संसार में रहकर पुरुषार्थ कर रहे, इवन अभी जो मुरली भी सुन रहे, उनके मुरली की शक्ति सारी नौकरी धंधा घर परिवार गाड़ी बंगला इसी में जा रही, इसलिए वो उन्नति को नहीं पा रहे। वो जो भी अमृत वेला कर रहे, दिन भर में योग कर रहे, नमाज शाम कर रहे, जो भी ड्रिल कर रहे, सकाज दे रहे, वो सब संसार के लिए लग रहा है। इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद उनको वो महसूसता नहीं आ रही कि उन्होंने कुछ पाया है, क्योंकि जहाँ रहोगे वहाँ चला जाएगा, ये सीधा नियम है। और तुम्हारा संसार खाली होने के कारण वो सारी शक्ति संसार को भरपूर करने में लग जाती है। इसलिए बच्चे नौकरी में तेरा प्रमोशन हो रहा है, बिजनेस में तरक्की हो रही, घर परिवार सुखी हो रहा है, एक फ्लैट के दो फ्लैट हो रहे, एक बंगले के दो बंगले हो रहे, एक गाड़ी की दो गाड़ियाँ आ रही तेरे। ये ऐसे नहीं समझ कि कोई कृपा हो रही, कृपा नहीं है, तेरा योग बल नष्ट हो रहा है। तू जो कमा रहा है उसी से तुझे यहाँ का मिल रहा है, क्योंकि तेरा जमा नहीं हो रहा है। समझ की बात है बच्चे, तुझे खबर ही नहीं है। तू ऐसे बैंक में ठहरा है, तेरा ऐसे बैंक में सब जमा हो रहा है जहाँ बैंक का रूल है जितना कमाओगे उतना आपकी व्यवस्था में खर्च हो जाएगा, सेविंग यहाँ शून्य होगी, वो उस बैंक का रूल है संसार रूपी। इसलिए किसी के पास कुछ भी जमा नहीं हो रहा है, भले कितने भी ज्ञानी योगी हो, ठहरे हैं संसार में। जीवन बहुत सुंदर होगी सबकी, आप ध्यान से चेक करना, खाते पीते होंगे, परिवार सुखी होगा, बीमारियां नहीं होंगी, न खुद में न परिवार में, शरीर में, मन से स्वस्थ, क्योंकि सारा योग बल वहाँ लग रहा है। समझ की बातें हैं। सन्यासी देखो, आज जो सन्यास धर्म जिन्होंने स्वीकार किया, जंगलों में भटक रहे, वो बड़े दुखी है बाहरी रूप से। ध्यान से चेक करना, दो दो दिन खाना नहीं मिलता, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, बारिश में ठहरने के लिए छत नहीं है, और इसके पास सब है। वो बाहरी रूप से दुखी है, दुख नहीं कभी जताते हो, सुखी रहते हैं, पर अंदरूनी रूप से भरपूर है, सब जमा है उनका, खर्च नहीं हो रहा है। और मेरे ज्ञान में चलने वाले संसारी बाहरी रूप से सुखी है और अंदरूनी रूप से पूर्णता दुखी है, परेशान है हर बात को लेकर। इसलिए बच्चे सुन्न बनना है, सुन्न मना संसार का त्याग संपूर्ण रूप से। जब तक संसार का त्याग नहीं होता बच्चे, तो उस अवस्था को नहीं पाएगा, कुछ भी हो जाए तुझे वो प्राप्ति नहीं होगी बच्चे जो तू चाहता है। इसलिए पहले संसार त्यागना पड़ता है। बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहे, संसार में रहकर किसी के माता पिता रहकर तुम अशरीरी नहीं बन सकते, किसी के पति पत्नी रहकर अशरीरी अवस्था में नहीं जा सकते, किसी के बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी रहकर अशरीरी अवस्था को पा ही नहीं सकते। पहले इन सब से निकलना पड़ता है, किसी के बॉस एम्प्लॉई रहकर। समझ की बात है, कैसे अशरीरी बनोगे बच्चे? तुमने बनने का कितना प्रयास किया, पीछे से आवाज आती है, मम्मी पापा अजय सुनते हो? अरे बच्चे कहाँ गया था? तुरंत आवाज आती है पीछे से। समझ की बातें है सारी बच्चे, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा, तू नहीं बन सकता अशरीरी। इसलिए होश में आ जा, सब त्यागेगा तो अशरीरी बनेगा, समझदार बन पूरा पूरा, और चिंतन कर अपने से। क्योंकि बच्चे जब तक तू उसे नहीं छोड़ता मना संसार को, तब तक तेरी ऊंची अवस्था नहीं हो पाएगी। कुछ भी हो जाए तो उस ऊंची अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए चिंतन कर अपने से, कब छोड़ेगा संसार,
अशरीरी बनने वाली जो बात है अशरीरी, वो संसार के त्याग के बाद स्टार्ट होती है। पहले संसार का त्याग, फिर अशरीरी अवस्था का अभ्यास। घर में रहते नहीं होता बच्चे ये सब, ये धंधे नहीं होते। समझदार बनो। देखो बच्चों, एक सिंपल बात बताता हूँ, सिंपल जो चर्चा में आए। गुरु ही चाहिए, तेरे आधे कल्प के विकर्म इतने हैं कि तू साकार में गुरु के उपस्थिति के बिना अपने आप को भी आत्मा नहीं देख सकता, इतने विकर्म है तेरे। बाबा की उपस्थिति में आत्मा अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि उस घड़ी बाबा विकर्मों को रोकता है, होल्ड करता है। विकर्मों को होल्ड करने के बाद कुछ निगेटिव ऊर्जा है नहीं, तो तू अपने आप को देख पाता है। इसलिए साकार में जब तक गुरु के साथ नहीं रहते, आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। सिर्फ वो गुरु में ताकत होती है विकर्मों को होल्ड करने की। समझ की बात है बच्चे। और गुरु कहता है बच्चे आत्मिक स्थिति कर। जब गुरु श्रीमत देता है ना, तो समझ जाओ उसने होल्ड करके रखा है, और उतने समय की तुझे छूट दी है, मार्जिन दी है कि इस समय में फटाफट आत्मिक स्थिति में आ जा। और तू आने लगता है और तुझे अनुभूति होने लगती है, दिव्य अनुभूति, आत्मा दिखती है, अनुभव होने लगती है, क्योंकि उसने होल्ड किए। ऐसे करते 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 गुरु कहता है फटाफट अपनी स्थिति में आ, क्योंकि मेरे पास उतनी ही मार्जिन है, मैं ज़्यादा देर तक तेरे विकर्मों को होल्ड नहीं कर सकता। उस समय में तू फटाफट आ, समझ इस बात को। फिर वापस गुरु कहता है आत्मिक स्थिति में आने के बाद, अभी तू याद कर। याद के वक्त वापस वो विकर्मों को होल्ड करता है, रुकाता है, थमाता है, तो तेरा कनेक्शन हो जाता है। जैसे कनेक्शन हो जाता है, तो कनेक्शन हो के तेरे पास जब 10% शक्ति जमा हो जाती है, योग बल, याद का बल, तो गुरु विकर्मों को छोड़ देता है। तो तेरे पास तेरे विकर्म आना शुरू होते और जलना शुरू होते हैं। पर प्रैक्टिस नहीं बंद करनी है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही विकर्मों की। वो तो बस उसने होल्ड करके रखी थी, जैसे आदि में भी दादियों की होल्ड की थी, इसलिए दादियाँ सेवा कर पाए, क्योंकि होल्ड किया था बाप ने सब कुछ। समझ की बात है सारी बच्चे। इसलिए साकार में बाप के साथ उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। साकार में गुरु चाहिए बच्चे, जो तुझे गाइड कर सके। ध्यान देना इस बात पर। बहुतों को लगता है अपने घर में मुरली सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, अमृत वेला करेंगे, नमाज शाम करेंगे, हो जाएगा, बाबा तो साथ है। बच्चे ऐसे नहीं होता। साकार में उपस्थिति चाहिए। भक्ति में भी मंत्र करने के लिए साकार में गुरु लगता है उपस्थित, क्योंकि कुछ हुआ तो हुआ, माना क्या है, होने ही वाला है। बस वो भी भक्ति का गुरु तेरे विकर्मों को होल्ड करने की ताकत रखता है, और तू भक्ति कर पाता है, मंत्र कर पाता है, पाठ कर पाता है, पूजा कर पाता है। समझ बच्चे, गुरु का रोल यही होता है, हर वक्त शिष्य के जीवन में उसको ज्ञान देना और उसके विकर्मों को होल्ड करना, तब तक जब तक वो अपनी स्थिति में ना आए। जैसे स्थिति में आ जाता है, वो विकर्मों को छोड़ देता है, क्योंकि तुझे ही चुक तू करने है भाई। इसलिए कुछ समय के बाद, शुरू शुरू में आपका योग बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 महीने बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, मौज करोगे, लगेगा उड़ रहे फरिश्ते समान, और उसके बाद जीवन नर्क बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी तेरा सब स्टार्ट हो गया, विकर्मों का खाता, अभी तेरी यात्रा स्टार्ट हुई। और बच्चे, ये यात्रा जो नर्क शुरू होगी, वो अंत तक नर्क। बताओ, ब्रह्मा बाप साकार में कब सुखी रहे? शरीर छोड़ने तक,
अंदरूनी रूप से सुखी रहे हमेशा निश्चिंत, बाहरी रूप से कब सुखी रहे बता? रहने के लिए ढंग से घर नहीं था, कपड़े की झोपड़ी थी, आज कुटिया कहते हो, कमरा भी आज जैसे देख रहे हो वैसे नहीं था भाई, बहुत सिंपल था। समझ की बात है बच्चे, साकार रूप से तुझे शरीर छोड़ने तक सुख नहीं मिलेगा, माना तेरी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो गई। गुरु के साथ चलते, संसार में नहीं बच्चे, गुरु के साथ चलते, और तुझे उसी अवस्था में जाना है, क्योंकि तेरा सारा सुख का वर्षा अगले जन्म में उस दुनिया में, या कंप्लीट नर्क जीवन। यह है इस रास्ते की समझ। इस रास्ते पर सब ऐसे ही है बच्चे, तू आशा ही ना रख, या तुझे सुख मिलेगा किसी भी रूप से, बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चे। चलना है तो चल, नहीं तो छोड़ दे, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तू चल ही, ये दुख की यात्रा है। समझ है बच्चे, कांटों के जंगल को साफ करना है, सुख कहाँ से मिलेगा, बगीचा तो बना भी नहीं है, तू साफ करके दे दे, भगवान उसको बगीचा बना देगा, साफ करना तेरा काम है। इसलिए बच्चे, जब तक तू संसार से रिहा नहीं होता, कैद में है तू संसार की, मैं तुझे बेल दिलवा रहा था पर तुझे बेल लेने की इच्छा नहीं है, जमानत मैं दिलवा रहा था कि बच्चे छोड़ नौकरी, छोड़ बिजनेस, छोड़ घर परिवार, चल मेरे साथ, पर तू राजी नहीं है, तुझे जमानत चाहिए ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, तुझे तेरी सांसारिक मायावी अमानत प्यारी है, तुझे जमानत नहीं चाहिए। मजा कर, और सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, बच्चों प्रयास भी नहीं करना, बिना साकार गुरु के कोई नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता, एकलव्य मुश्किल को एक निकलता है, सबके भाग्य में नहीं होती वो बात, साकार में गुरु चाहिए ही चाहिए। इसलिए बाबा कहता था बच्चों के लिए, बच्चों समर्पित हो जाओ, अंत में पछताना पड़ेगा बहुतों को कि ये क्या हो गया, क्योंकि बच्चों यही होने वाला है, हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कारण यही है बच्चे, समझ कर चलो इस बात को, क्योंकि तू संसार में चलकर जितना कर रहा है वो सब नष्ट हो रहा है बच्चे तेरा। नष्ट नहीं होता ना तो तुझे दूसरे दिन उस रूप से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, तू खुश रहना चाहिए, तू अगले घड़ी खुश नहीं रहता संसार में, जब तक पुरुषार्थ कर रहा है तब तक खुशी है, पुरुषार्थ से उठा उदासी आ गई, इधर उधर से पुकार रहे आवाज दे रहे। समझ की बात है बच्चे, सुन्न अवस्था, संसार से त्याग करो, उसको सुन्न अवस्था कहा जाता है, संसार का त्याग बच्चे पूर्ण रूप से। अभी भी बच्चों को पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमने वो एक वीडियो देखा, वो कहते हैं कि 2022 से ही रशिया यूक्रेन जो वॉर स्टार्ट हुई वही थर्ड वर्ल्ड वॉर है, अभी वो धीरे 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 रूप लेगी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कुछ साल चली ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कुछ साल चली ना, एक साथ तेजी नहीं ली उसने, और बाबा ने तो कहा है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर माना आत्माओं का वापिस जाना है। बच्चे स्टार्ट हो चुकी, अभी भी तो किस बात पर रुका हुआ है? समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, देख जरा, तू आंखें खोल, ओपन माइंड रहे और देख, धीरे धीरे ये रूप लेते जाएगी। अभी अलग अलग देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है तनाव, धीरे धीरे होता जा रहा है बच्चे, तू जो देखना चाहता है वो लास्ट है, न्यूक्लियर वॉर वो लास्ट है, और फिर उस समय तू सोचेगा अभी नौकरी छोड़ते, अभी बिजनेस बंद करते, अभी घर परिवार त्यागते और बाबा के पास जाते, बाबा दरवाजे बंद कर देगा बच्चे, बाबा नहीं लेगा तुझे, बिल्कुल नहीं लेगा बच्चे, ध्यान में रखना। क्यों लूँ बच्चे? क्योंकि तुझे समझ नहीं, समझ की बात है, नहीं लेना है बच्चों। और बच्चों ध्यान में रखना, ये भी लिख के रखो कि अभी जो बच्चे बाबा के पास आकर गए यहाँ साकार में, जब से
बाबा ने पाठ स्टार्ट किया, यहाँ पर अपना सेवा स्टार्ट किए है। जब से जो जो आके गए आदि से, उन्हें कभी समर्पण का मौका नहीं देना है, कभी नहीं देना है। उनका समर्पण समाप्त हो चुका है, उन्हें कभी नहीं देना है मौका। बच्चों समझ है, बस हो गया। उनको काफ़ी मैंने समझाया, काफ़ी समर्पण का चांस दिया। यहाँ भट्टी में जितने भी आके गए, वो समर्पित ना होने के कारण उन्हें समर्पण का मौका नहीं देना है किसी भी रूप से। कुछ भी हो जाए बच्चे, मैं यहाँ रहूँ या अंदर जाऊँ, पर समर्पण का मौका नहीं देना है उन्हें। क्योंकि साकार में परमात्मा ने उन्हें काफ़ी समझाया, सम्मुख एक एक को समझाया। अभी उन्हें नहीं देना है, उनका चांस समाप्त हुआ है। एक ही बार होता है, किसी को नहीं देना है। बिकॉज ऑफ दैट नो समर्पण, नो भट्टी में एंट्री। बात समाप्त। अभी जिन्होंने भेजा था उनकी बात छोड़ो, वो दो चार बच्चे, बाकी किसी को एंट्री नहीं देनी। इवन बच्चों, इनको बाबा मिलन में भी, भट्टी में भी एंट्री नहीं देना। इनको लास्ट भीड़ में एंट्री देना, बस लास्ट। लाखों करोड़ों की जब भीड़ लगेगी तभी, तब तक इन्हें एंट्री नहीं देनी, हर हालत में नहीं देनी है। क्योंकि इनको साकार में परमात्मा के वचन समझ में नहीं आए। समझ है बच्चों, इनके पाप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बच्चे ध्यान में रखना, बाप की एक श्रीमत साकार में, एक श्रीमत छोटी सी, और तेरे 63 जन्मों के पाप बराबर है, हिसाब बराबर है। इसलिए इनके ऊपर डबल 63 जन्मों के पाप चढ़े हैं। इसलिए इन बच्चों को नहीं देना, क्योंकि इनके संग से दूसरे बिगड़ जाएंगे। इसलिए जो जो मेरे सम्मुख आके गए हैं, जो जो आके गए, आप सबको तो पता है, फॉर्म भी है, लिस्ट भी है, उनको दोबारा एंट्री नहीं देनी। इनको डायरेक्ट भीड़ में एंट्री देनी। बाप कारण नहीं जानना चाहता। इवन इन्होंने शरीर भी छोड़ दिया तो भी हर्जा नहीं, पर शरीर छोड़ने के बाद भी इनकी आत्मा को भी एंट्री नहीं देनी यहाँ पर। नॉट अलाउड बच्चे, क्योंकि ये बिगाड़ देंगे दूसरों को। इनके अंदर कड़ा संस्कार है संसार का, इन्हें नहीं लेना यहाँ पर। इसलिए सभी बच्चे जो यहाँ आकर गए हो बाबा के सम्मुख, आपका पाठ लास्ट भीड़ में है। भले जो चाहे पुरुषार्थ करो, पर अभी फिलहाल आप नहीं आ सकते, लास्ट भीड़ में। लाखों करोड़ों की जब भीड़ आएगी तब आपका पाठ ओपन होगा, मिलन का, भट्टी का, जो भी हो, जैसे भी। फिलहाल अभी तो नहीं है बच्चे, क्योंकि आपने गवा दिया। इसलिए यहाँ कब क्या रूल निकलेगा, क्या रेगुलेशंस निकलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चे। किस दिन क्या निकलेगा बाहर, अभी देखो सबको क्लियर किया है बाबा ने, एक एक बात बाबा क्लियर करता जा रहा है। अभी सम्मुख आने वालों को भी क्लियर कर दिया। फिलहाल बाबा से जितने जुड़े हैं अभी इस घड़ी, यहाँ जो बैठे और सेवा के लिए जो गए दो चार बच्चे, उतने छोड़कर बाकी सब कट, इस संस्था से बाकी सबका कनेक्शन कट हो चुका है। सभी का कोई संबंध नहीं है यहाँ बाप से, किसी बच्चे का कोई संबंध नहीं यहाँ पर किसी भी प्रकार से, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है परमात्मा, परमात्मा के वचन। इसलिए इन्हें एंट्री नहीं देनी। हाँ, जो नए बच्चे हैं, जो अब तक बाप के सम्मुख नहीं आए, उन्हें पुरुषार्थ करके आप एंट्री दे सकते हैं, कैसे भी होने दो, अर्जानी। पर इनका चांस समाप्त हुआ। और ध्यान में रखना, हर किसी को बस एक ही चांस देना है, एक ही चांस, एक ही बाबा मिलन, एक ही भट्टी। समर्पित नहीं हुआ, वापस लास्ट कैटेगरी में सीधा। फिर वो यहाँ हो या डायमंड हॉल में हो, अंदर हो, एक ही चांस, सिर्फ एक चांस। सबको लगता है ना डायरेक्ट कैसे समर्पित हो जाए, एक बार तो बाबा के सम्मुख आए, एक ही चांस। एक बार जो आके गया है, अगली बार डायरेक्ट समर्पण के लिए चाहिए, वरना अलाउ नहीं करना। क्योंकि बच्चे
तुम थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, क्योंकि जो आत्मिक स्थिति है वो सब समाप्ति के बाद है सारे संसार के। जो योग है वो सारे संसार के समाप्ति के बाद योग है। बच्चे कृष्ण को भी, श्री कृष्ण को भी ज्ञान योग सीखने के लिए अपना संसार छोड़ के गुरु के पास जाना पड़ा। श्री राम जी को भी अपना संसार राज्य छोड़ के गुरु के पास जाना पड़ा। ऐसे महान से महान कोई भी बताओ जिन्होंने घर में रहकर उस अवस्था को पाया है, कोई भी बताओ बच्चे, है कोई? एक भी नहीं है। सबको गुरु के पास जाना पड़ा, और वो गुरु के पास से कब लौट आए? जब पूर्ण ज्ञान लिया। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं लिया था तब तक गुरु के पास थे। इवन पांडव भी गए थे ना, या पांडव के घर में, पांडव और कौरव मालिक थे ना उस समय सृष्टि के, तो उनके घर में गुरु आए थे क्या राज्य में, या गुरु के पास सब गए थे? बच्चे ज्ञान गुरु के पास जाकर ही अर्जन किया जाता है, लिया जाता है, घर में रहकर नहीं। बच्चे ये तो ऑनलाइन व्यवस्था निकली है इसलिए, वरना ज्ञान का अर्थ ही है गुरु के पास जाकर लेना। समझ की बात है बच्चे, तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं होगा बच्चे। घर में रहकर ज्ञान नहीं प्रवेश होता, शब्द प्रवेश होते हैं, शब्द समझ में आते हैं। शब्द अलग है, ध्यान में रखना, शब्द अलग है, ज्ञान अलग है, और उसकी ऊर्जा अलग है। इन बातों को समझो, और उस ऊर्जा से निकलने वाला परिणाम अलग है। इसलिए शब्द ले रहे हो तो ज्ञान नहीं ले रहे। ऑनलाइन सिर्फ शब्द सुने जाते, ज्ञान नहीं बच्चे। ज्ञान तो सम्मुख सुना जाता है, और अगर सम्मुख सुनने वक्त स्थिति में हो तो ऊर्जा ली जाती है। स्थिति में रहकर अगर बाप की याद में हो तो परिणाम निकलेगा। ज्ञान के भी चार स्टेजेस है, वरना सिर्फ ऊर्जा लोगे परिणाम नहीं निकलेगा। अभी अगर स्थिति में हो पर अगर बाबा की याद में नहीं हो तो इस ज्ञान की धारणा नहीं होगी। आपको ऊर्जा मिली, आपको ज्ञान की ऊर्जा मिली, पर धारणा नहीं होगी और परिणाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि बाबा की याद में रहकर ही परिणाम सामने आएगा। ध्यान में रखना, समझ है। और मुख्य बात है सम्मुख, इसलिए संसार तो त्यागना ही पड़ेगा। समझ की बात। देखो बच्चे, जो आखिरी था वो भी कट कर दिया, क्लीन कर दिया, लास्ट सब फटाफट ऐसे क्लीनिंग हो रही, एकदम टाइम नहीं लग रहा अभी क्लीनिंग में किसी भी बात के। इसलिए बच्चों, आप जो मेरे सम्मुख आके गए हो, आपका चांस गया है। कभी कहना नहीं भट्टी में आए क्या, मिलन में आए क्या, हमें बाबा से मिलना है, कभी नहीं बच्चे। सभी हाँ, सभी पुराने जितने भी है, किसी का भी फोन आए उनको कहना 11 जुलाई 2024 की मुरली पढ़ना, 11 जुलाई 2024 उस समय की मुरली पढ़ना, सुनना बाबा ने जो मुरली में कहा है, क्या कहा है, देखो आपको समझ में आएगा। कौन सा मिनट चल रहा है मुरली में? नहीं, घंटे, 2 घंटा 32 मिनट पर लाइव मुरली में सुनना, उससे 15 मिनट पहले सुनना, आपको पता चलेगा बाबा ने क्या डिक्लेयर किया है। समझ है बच्चों। और एक को एक ही बार चांस, लाडला कोई नहीं यहाँ पर, ध्यान में रखना, लाडला कोई नहीं। एक बार ना बोला बात समाप्त, उसको दोबारा चांस नहीं है। इसलिए इन सभी बच्चों को लास्ट में ही मिलेगा बाबा, शुरू में नहीं। बच्चों ध्यान में रखना, मैं अंदर भी गया डायमंड हॉल में, फिर भी आप नहीं मिल सकते, ध्यान में रखना। और तो और बच्चे, ये लिस्ट आज ही बना के रखना जितने भी बाबा के पास आके गए, ठीक है? बाबा अंदर जाने के बाद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये लिस्ट देनी है कि ये बच्चे नहीं आने चाहिए, इनका सेंटर, इनका जोन, इनका नाम, गांव का नाम, सब डिटेल वहाँ देनी है,
इनको अलाउ नहीं करना है। बाबा ने कहा ये सिर्फ लास्ट में आएंगे। ये लिस्ट रेडी रहे, आज इनका पाठ समाप्त हो चुका है। भगवान को जनरल नहीं लेना। आपके लिए कुछ भी है क्या भगवान? भाई भगवान भी अपने इसमें रहता है। भगवान का सम्मान करना सीखो, और नहीं आता सम्मान करना तो उससे ज्ञान भी मत लो। इतने भी स्वार्थ बुद्धि नहीं बनो कि जिसका सम्मान करना नहीं आता उससे ज्ञान लेने चले। समझ की बातें हैं, सब ऐसे क्लियर होगा, फटाफट क्लियर होगा, हर बात क्लियर होगी, कुछ बचेगा नहीं पीछे। जहाँ तक बाबा को लगता है, ताकि कहने वाला कोई बचे नहीं, हमारा बाबा, हम आदि से बाबा के साथ चले, ऐसे चले वैसे चले, कोई नहीं रहे। हमने तो आबू में भी, माउंट में बाबा मिलन किए, आबू रोड में बाबा मिलन किए, नहीं कहने वाला कोई नहीं बचा अभी, क्योंकि आएगा ही नहीं कोई ऐसा कहने वाला। बात समाप्त। समझ की बात है बच्चे, इनको बहुत अभिमान होगा आए तो, क्योंकि हम तो आदि से बाबा के साथ जुड़े हैं, इसलिए आदि वालों को अंत में रख दिया अभी। बात खत्म, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये अगर आए ना तो जो बनने वाले वो बन नहीं पाएंगे, ये बस अपना अभिमान दिखाते रहेंगे। हम तो बाबा के साथ उठते बैठते थे, सम्मुख मुरली सुनी है। समझ है बच्चे, इसलिए इनको संसार करना है करने दो, संसार में रहने दो, इन्हें अलाउ नहीं करना है बस। देखो बच्चे, उस दिव्य अवस्था को पाने के लिए सुन्न अवस्था चाहिए। अभी अशरीरी बनने का समय है, अशरीरी अर्थात देह का भी बुद्धि से त्याग कर दिया, कुछ नहीं रखा। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। जब सब छूट जाता है तब अशरीरी बनने का आनंद आता है। जैसे वो लौकिक संसार है वैसे ये अलौकिक संसार है। बाप जैसे समझाता है ना, यहाँ भी कुछ नहीं पकड़ना है, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये मेरा फलाना, ये मेरी सेवा, ये मेरा काम, नहीं बच, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मेरा कुछ नहीं, ये मेरा लैपटॉप चलाना, मेरा कैमरा चलाना, मेरा साउंड सिस्टम चलाना, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस इतनी सी बात। यहाँ भी किसी में नहीं फंसना है। सबसे बड़ी माया इस अलौकिक संसार में है, क्योंकि तुम इसे शुद्ध मानते हो, शुद्ध में जल्दी फंस सकते हो, शुद्ध की यात्रा चल रही है। समझ की बात है। जैसे बहुतों ने मांस मटन तो छोड़ दिया, पर दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं छूट पा रहे, शुद्ध में फंस गए। ध्यान में रखना, छोड़ा उसे जाता है जिसमें फंसे हो। समझ की बात है। फिर वो दुनिया भी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, तू फंस गया है उसमें, उसे छोड़ा जाता है। आज बहुतों को दूध और दूध के प्रोडक्ट्स छूटते नहीं, और उनको पता भी नहीं घी किस चीज़ का बनता है। जानवरों की हड्डियाँ लाते हैं, उनके अंदर का मगज निकालते हैं, पिघलाते हैं, क्या क्या नहीं लाते, चर्बी लाते, फैट्स जानवरों के, उसको पिघलाते हैं, उनके अंदर एसेंस डालते हैं, और घी बना के पैक करके भेजते। ज़रा रिसर्च करना, सारे ब्रांड का घी वो लोग ऐसे भेज रहे नकली, तुम्हें कहाँ पता है तुम्हारे पास जो है। इसलिए बाबा ने कहा ना लास्ट टाइम, घी और बटर को तवे पे डालो आग पर, और जो स्मोक निकलेगा स्मोक करो। नॉनवेज की स्मेल आती है, चर्बी की स्मेल आती है। समझ के बात है बच्चे, पूरी मगज की स्मेल आती है, और घी बड़े प्यार से खाते हो, अरे अच्छा है ये नहीं कुछ। समझदार बन बच्चे, बाकी ड्रामा। अभी ये सब खाने वाले, इनकी बुद्धि में ज्ञान क्या बैठेगा, ये नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को समझने के लिए भूखा रहना पड़ता है। ना मिले तो भी मंजूर है, पर जो खाओ अशुद्ध खाओ, जो खाओ शुद्ध खाओ, अशुद्ध खाओ ही नहीं, अशुद्ध ही खा रहे हो। थोड़ा भी खाओ पर शुद्ध खाओ, अशुद्ध के पीछे लगे हो। सब अशुद्ध है बच्चे, क्या शुद्ध है तुम्हारा बताओ? यही हालत हो रही, जो खाओ अशुद्ध खाओ संसार में।
शुद्ध क्या? बटर, घी, दही, छाछ, दूध, क्या शुद्ध है बताओ जरा? जो खाओ अशुद्ध खाओ, यही चल रहा है। समझ है बच्चे, होश में आ जा, क्योंकि अन्न का प्रभाव सबसे बड़ा आता है बच्चे बुद्धि पर। इसलिए जो संसार में ऐसे ही चल रहे उनकी बुद्धि में बाबा का ज्ञान नहीं बैठ पाएगा बच्चों, नहीं बैठेगा, मुश्किल है। आइसक्रीम मजे से खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, क्या क्या नहीं खा रहे हो, पता है कैसे बन रहा है, जानते हो? और जो बनाने वाले हैं कहते कि पैकेट फूड है, मशीन से बनता है, पर मशीन चलाने वाला कोई तो है ना, वो स्थिति में है, बटन दबाने वाला मशीन का, क्या खा रहे हो? समझ की बात है बच्चे। इसलिए बच्चों देखो, होश में आ जाओ और संसार से निकलो जितना हो सके। एक सिर्फ बाप का घर है जहाँ जो भी सब्जी आती है उसको पवित्र रखने का काम खुद माया करती है, ड्रामा करता है। एक बाप का घर, सब अपवित्र हो चुका है, सब कुछ, बस बाप के घर में माया सेवाधारी है, ड्रामा सेवाधारी है, क्योंकि उन्हें पता है बाप बैठा है, बाप को शुद्ध जाना ही चाहिए। माया खुद ही जानती है अशुद्ध नहीं भेज सकते यहाँ पर बाप के घर में, इसलिए माया उस सब्जी की माया को निकाल देती है, अशुद्धता को। इस प्रकार से माया सेवाधारी बनकर चल रही है। बाकी कहाँ पर भी आपको शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, सब अशुद्ध है बच्चे, सब कुछ। इसलिए देखो, साकार में बाप के पास उपस्थित होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। समझ की बातें, सारी चिंतन की बातें। और एक बात रामानुसार आई है इसलिए शेयर कर रहे हैं। बाबा को तो लगता है, बाबा को, कि अभी जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक नो भट्टी नो समर्पण, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ये लग रहा है मुझे। जब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक नो बाबा मिलन, नो भट्टी और नो समर्पण। अभी तेरा और मेरा मिलना सीधा डायमंड हॉल में ही होगा, और अगर मैं नहीं गया तो मैं नहीं मिलूंगा, बात समाप्त, बात खत्म हो गई, मिलना ही नहीं मुझे, बात समाप्त। कर अभ्यास अपने घर पर, अभी वो भी मैंने बंद कर दिया, भट्टी भी बंद और समर्पण भी बंद। सुनना है तो सुन मुरली, नहीं सुनना है मत सुन। मैं तो कभी अभी देखने भी नहीं जाता कितने व्यूज है, कितने देख रहे, कोई लेना देना भी नहीं मुझे। इसलिए अभी ये भी बंद, लास्ट जो था, अभी जितने हैं उतने ही, उससे अलग नहीं है, जितने हैं उतने ही, ज्यादा नहीं अलग नहीं। जो सेवा के लिए गए, अभी जो गए हैं उनके संस्कार परिवर्तन के लिए, वो नहीं, जो सेवा के लिए गए वही बच्चे, उतने ही बच्चे, और आप, बस बात समाप्त। उतनों में ही यज्ञ चलेगा, अंत तक अभी ऐसे ही चलेगा, जब तक बाप प्रत्यक्ष ना हो। नो भट्टी नो बाबा मिलन नो समर्पण, अभी जो होगा सीधा वहाँ होगा, वहाँ डायमंड हॉल में ही होगा। अभी बाप की भी अपनी जिद है, मैंने काफ़ी चांस दिया, काफ़ी चांस दिया सभी को, अभी यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। समझ की बातें सारी। और जो बच्चे गए हैं, अभी अभी गए, वो बच्चे भी ये बात ध्यान में रखना, आपको भी अभी वहाँ ही आना है, डायमंड हॉल, यहाँ नहीं आ सकते अभी आप, क्योंकि आपके संस्कारों के परिवर्तन की बात है।
आपके अपने आप के परिवर्तन की बात, अभी यहाँ नहीं आ सकते। मेरी कंडीशन थी खुश रहो, स्थिति में रहो, ईश्वरीय परिवार से स्नेह से चलो, श्रीमत पर पक्का चलो। अभी चलो या ना चलो वहाँ ही आओ, या नहीं। क्लियर? सभी के लिए क्लियर कर रहा हूं मैं, समझ की बात है सारी। क्योंकि अभी बाप चाहता है जो होगा वो सबको मिलेगा, बाकी तब तक जितने हैं थोड़े उतनों में यज्ञ चलेगा, जितने हैं थोड़े। सारी समझ की बात है, बाकी ड्रामा चलते रहो। अभी तो ये भी बात समाप्त होगी, अभी निश्चिंतता आ गई, बस एक रोज ऑनलाइन मुरली चलेगी। अभी तो कोई बात नहीं बची ना, इसको लो उसको लो, इसका फोन उसका फोन, हमें आना है, कौन सी डेट है, कब आए, करो पुरुषार्थ। अभी यहाँ कुछ नहीं है बच्चे, और नहीं करना है मत करो पुरुषार्थ, बंद कर दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। पुरुषार्थ क्या मेरे लिए कर रहे हो? तुम्हारी स्थिति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बात खत्म। बहुतों ने ठगा, कैसे, बिना पुरुषार्थ के भी आने की चेष्टा की, कम पुरुषार्थ से भी आने की चेष्टा की, स्थिति दिखती है ना, पुरुषार्थ किया या नहीं किया। अभी ये भी बंद हो गया, बात समाप्त। और ये जो गए, जितने भी अभी अभी गए, उनको पूछना कि बाबा ने आज के मुरली में ऐसे ऐसे कहा, ऐसे ऐसे कहा है, देखना। बोला आपके मन में कोई नाराजगी तो नहीं है, उदासी तो नहीं है, दुख तो नहीं है? और अगर होगा तो उनको कहना बाबा ने परमानेंट बैन किया है, वहाँ भी नहीं आ सकते। बात समाप्त। श्रीमत समझ में नहीं आती, सिंपल सी बात है, ये लिख के रखना और उनको कॉल करके बताना मुरली के बाद। श्रीमत नहीं समझ में आती क्या? बड़ा शौक है बाप के साथ चलने का, स्थिति में कौन रहेगा? बाप के साथ चलना है तो स्थिति कहाँ पर है तुम्हारी? खुशी कहाँ पर है? प्यार कहाँ पर है? ईश्वरीय स्नेह सब समझ है। देखो बच्चों, अभी आप बनो, मौज करो, अभी भाग्य सीमित हो गया, इतनों के पास है, अभी मिलेगा तो सबको भीड़ में मिलेगा। एक दिन दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर चीज़ का एक समय है, समझ की बात है। और आप सभी जानते हो, कभी किसी दिन किसी समय पर बाबा ने किसी कारणवश ब्रेक लिया, एक दो दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद आया, तो बहुत बड़ा टॉर्नेडो आता है, तूफान आता है, क्या लेकर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं उसकी। ये यही हुआ है, देख मैं क्या लेकर आया हूँ, भाग्य लेकर आया हूँ, वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं, इसलिए मैं क्या लाऊंगा ना किस दिन, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी बात समाप्त हो गई, सारी रामा की मर्जी। बच्चे मौज करना, खुश रहना, अभी जैसे चाहे चलना। अशरीरी बनने का भी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। देखो बच्चे, यह अवस्था ही सबसे बड़ी अवस्था है, इस अवस्था में रहोगे तो कुछ पाओगे, वरना नहीं पा सकोगे। अशरीरी बनना है, अभी यज्ञ की सेवाएं की कार्य पूरा किया, बैठे अपने में तुरंत, बस मैं और मेरा बाबा, बस उस अवस्था में बैठे चले हैं, वही ध्यान है। तुम इससे कुछ अलग सोचो भी नहीं कि कुछ अलग अवस्था में रहना है, कुछ अलग अनुभव करना है, सोचो भी इसी अवस्था में बैठे रहना है दिन भर। बात समाप्त हो गई, जो बाबा ने सिखाई है, दिन भर इसी अवस्था में बैठे रहे। अभी तो देखो सब खत्म हो गया ना, अभी कुछ सोच की बात भी नहीं बची, इसको बुलाए उसको बुलाए, ये आए वो आए, दूर से सुनेंगे सुनने वाले, अभी तो आने वाला भी कोई नहीं बचा। एक दिन फिर अचानक वो पीस ऑफ माइंड टीवी पर बाबा आ जाएगा, बच्चे देखते रहेंगे, अरे बाबा मधुबन पहुंच गया, वो तो होना ही है बच्चे, आज नहीं तो कल, वो कहाँ जाएगा? फिर तू कूद नहीं सकता क्योंकि तुझे बैन कर दिया है, तू नाच नहीं सकता, हमारा बाबा डायमंड हॉल में पहुंच गया, तू आ भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता।
इनको एंट्री कब देनी पता है? 1 लाख के ऊपर बाबा मिलन होगा तब, तब तक एंट्री नहीं देनी इन्हें, 1 लाख के ऊपर। फिर भी मैं आंकड़ा कम बोल रहा हूँ, मैं 5 से 10 लाख बोलने वाला था, क्योंकि उतना करना ही पड़ेगा, बच्चे उतने, टाइम कहाँ पर है। 1 लाख के ऊपर ही एंट्री देनी इनको, वो भी पुरुषार्थ अनुसार, और अपने कोई कायदे नहीं, सारे वहां के कायदे, उन कायदों के अनुसार एंट्री देनी इन्हें। तब तक एंट्री नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी एंट्री, समझ है बच्चे? सारे सारे ड्रामा बच्चों वंडरफुल है, इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, भाग्य सदा का नहीं रहता, बरसात सदा की नहीं होती, 4 मास ही होती है, फिर सूखा पड़ जाता है, ध्यान में रखना। धूप सदा की नहीं होती, छाव सदा की नहीं होती, बच्चे समझते हैं कल जाएंगे, कल करेंगे, अभी तो डेट भी खत्म हो गए, कई डेट निकली, निकली क्या और खत्म क्या हुई डेट, और डेट के साथ सारे डेट्स ही खत्म हो गए, टर्न ही खत्म हो गए, क्योंकि बाबा को अभी टर्न होना है, ड्रामा अभी टर्न करना है। और कुछ बचा है ड्रामा टर्न करने के लिए? बचा हो तो बता दो मुझे, वो भी क्लियर करते हैं, किसका कनेक्शन, किसका कुछ रहा, क्योंकि सब अभी कट हो गया ना, अभी अभी ड्रामा टर्न हो जाएगा आसानी से। इसलिए बच्चों तुम इस अवस्था में रहो, अभी तुम्हारे माथे पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, बस इतना सा यज्ञ चल रहा है, चलते रहना है, इतने से लोग हैं, इतने से बच्चे, और अपनी अवस्था में मौज करनी, ये समय मिला है आपको इस अवस्था का, करो। जब प्रत्यक्षता होगी बहुत सेवा होगी, अब सोच भी नहीं सकते इतनी सेवा होगी, फिर नहीं कह सकते बाबा थोड़ा बैठना है 5-10 मिनट, नहीं बच्चे सिर्फ सेवा हो, इसलिए जितना समय हो सके इस अवस्था में बैठो और मौज करो। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है, कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाए मानी न आए तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने, जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है चढ़े तो चाखे, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। देखो बच्चे, बाप जो कहता है कि कमांडर बनो, अपने कर्मेंद्रियों को कमांड देने वाले कमांडर, मास्टर बनो, मालिक बनो, अपने सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण और स्थूल कर्मेंद्रियों, तुम्हारे ऑर्डर के बिना हाथ नहीं हिलना चाहिए, तुम्हारी ऑर्डर के बिना आंखें इधर उधर नहीं देखनी चाहिए, मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए, कानों से आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, मन में संकल्प नहीं उठना चाहिए, बुद्धि कोई विजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, संकल्प के बिना, तुम्हारे ऑर्डर के बिना, संस्कार तुम जो चाहो वो इमर्ज हो जाए, इसको कहते हैं मास्टरी। अब इस मास्टरी में आना है बच्चे, अपने कर्मेंद्रियों का मास्टर बनना है, पूर्ण रूप से इसका अभ्यास करना है, बुद्धि को कहना है बार बार यह हुआ, किसने कहा आपको ये चित्र दिखाने के लिए, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया आपको, जब तक मैं आत्मा करके आपको ऑर्डर नहीं करती, विजन क्रिएट करना नहीं, मन को भी जब तक मैं आत्मा करके आपको ऑर्डर नहीं करती, मैं आत्मा, तब तक कोई संकल्प उठाना नहीं, संस्कार जब तक मैं आत्मा करके आपको ऑर्डर नहीं करती, तब तक संस्कारों में से कोई संस्कार इमर्ज ना हो, मैं आत्मा जब तक इस रूप में आपको ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डर नहीं माननी है, फिर देखो क्या होता है, ऑर्डर नहीं चलेगी बच्चे, क्योंकि उनको समझ में आया कोड, कोड है मैं आत्मा, यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट होती है, वो नहीं करेंगे, आपको एक शांति महसूस होगी, वो शांत हो जाएंगे, उन्हें पता चला। पर
पर ध्यान रखना है, मैं आत्मा शब्द बोल के कैसे भी कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने क्या रीड किया है, मैं आत्मा, इसको लेकर जो स्टार्ट होगा उस वो है ऑर्डर, उसे हम स्वीकार करेंगे और वैसे हम करेंगे। इसलिए मैं आत्मा शब्द बोलकर कुछ भी नहीं बोलना, वरना वो तीनों करेंगे। ये विधि समझो आप, पहले उनको बता के रखो, ऐसे स्टार्ट होगी मेरी कमांड, मेरी कमांड मुझे आत्मा की, फिर ही आपको उसे करना है, तब तक नहीं। सेम बाकी सभी को ऑर्डर दे के रखना, जब तक मैं आत्मा करके आपको ऑर्डर नहीं करती, पर आपको ध्यान में रखना है हर कर्म में मैं आत्मा करके ऑर्डर करना है। ऐसे अनकॉन्शियसली कार्य करने जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे होगा नहीं, हाथ 2 किलो भी नहीं उठाएंगे। पहले उनको कहना पड़ेगा मैं आत्मा आपको ऑर्डर कर रही हूँ, ये सामान उठाओ और उठा के बाहर रखो, संकल्प निकट कर रहे हैं तो अपने आप वो काम करेंगे, उन्हें शक्ति मिलेगी। वो ध्यान में रखना, कर्मेंद्रियों को, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को शक्ति आत्मा से मिलती है, तब वो कार्य करते हैं, इसे समझो। और अभी राजा बनो, कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में रखो, राजा बनो। राजा बनोगे मजा आएगा, ऐसे जनरल मत चल। ओम शांति। आत्मा अभिमानी हो बैठना है, बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्मा अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ यह समझते हैं अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है, जैसे सर्प का मिसाल है वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम पुना पदम कीली पदम 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 पुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है। एक नंबर, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही? एक नंबर। दो नंबर, आंखें सिविल रही? तीन नंबर, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ? दो नंबर, दूसरी धारणा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भवा। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है
पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। बच्चों ध्यान में रखना, परमात्मा सदा के लिए किसी के लिए रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता। उसका भी अपना ड्रामा है। वो ड्रामा साकार में बाप बोल देता है, एक समय पर ड्रामा उसका हो जाता है। तुम सदा के लिए उसको उस रूप से नहीं देख सकते जैसे तुम मिले थे। वो बदलता जाता है, कभी बाप होता है, कभी टीचर होता है, कभी सदगुरु होता है, कभी महाकाल बनता है, कभी रुद्र बनता है तेरे लिए। तो सदा उसको बाप नहीं देख सकता, सदा बाप नहीं रहता बच्चे। और ध्यान में रखना, अंत समय में तो वो पूरा रुद्र है, ठहर भी नहीं सकते उसके सामने। आग ही आग निकालेगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाप ज्ञान यज्ञ नहीं, टीचर ज्ञान यज्ञ नहीं, सदगुरु ज्ञान यज्ञ नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ये। रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो रुद्र को तो आना ही पड़ेगा ना। रुद्र माना पद्मा पदम, महाकाल स्वरूप, उसे कहते हैं रुद्र। उसको बस इतना पता है स्वाहा, आहुति डालना सीधा, और सीधा साफ कर देता है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए बहुत बच्चों को ऐसे लगता है बाबा ऐसे ही रहेगा आदि से अंत तक। नहीं बच्चे, देख मैं बदल गया ना, तेरा भाग्य भी बदला ना। आज 11 तारीख तेरे लिए हिस्टोरिकल हो गई, मेमोरेबल हो गई, क्योंकि तेरा भाग्य ही बदल गया बच्चे। तूने क्या समझा था और क्या हो गया। बहुतों को यही लगता था बाबा तो है अपना, जाते रहेंगे। बहुत बच्चे 8-10 महीने हो गए समर्पित हो रहे। कब से हो रहे समर्पित? बाबा हमें समर्पित होना है, समर्पित होना है। 8-10 महीने से इनका समर्पण चल रहा है। कितने बाबा मिलन में आते हैं, जाते हैं, बाबा फिर भी कहता रहता है देख बच्चे अगर तू आया, निश्चय है ना मुझ पर, और मैंने रोक दिया कि घर नहीं जाना, तो कोई रुका है? सब गए, रिटर्न टिकट बना के ही आते हैं। अभी रिटर्न टिकट की बात ही नहीं बची, क्योंकि आना ही नहीं बचा है, बात समाप्त हो गई। ड्रामा ऐसे है बच्चे, इतना नॉर्मल नहीं होता बच्चे। अचानक बदलेगा, अचानक। वहाँ भी ऐसे हुआ था आदि में, कराची में। बहुत बच्चे कहते थे बाबा हम भी समर्पित होंगे, हमें भी होना है। निकला बाबा माउंट आबू, रह गए वहाँ के वहाँ, सोचते रहे ये क्या हो गया। समझ है? और जब आए आबू मिलने तो बाबा अलग ही स्वरूप में था। यही हो गई बात। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे आदि में भी ऐसे हुआ था, जो बाबा बड़े प्यार से चला सिंध कराची में, सबने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ भी ऐसे नहीं। अभी तो यज्ञ विस्तार को पाया है, सिंध कराची तक परिवार था जैसे कि, और यहाँ यज्ञ स्थापित हो गया माउंट में प्रॉपर। बाबा परिवार की तरह संभालता था सिंध कराची में, यहाँ प्रॉपर यज्ञ स्टार्ट हो गया और विस्तार होना स्टार्ट हो गया। अभी रह सकते परिवार की तरह, परिवार ही है, पर छोटा सा जो परिवार होता है उस तरीके से नहीं रह सकते। कायदे बदलते हैं, अचानक बदल जाता है सब कुछ। समझ की बातें हैं बच्चे। यही हो गई बात। लोग सोचते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, यही बात हो गई। किनकी दबी रहेगी नौकरी धंधे में, किनका परिवार खाए। खा लिया, दब गया भाग्य परिवार में, और खा लिया नौकरी धंधे ने, खा लिया नौकरी धंधे ने और दब गया परिवार में। समझ है बच्चे? किनकी दबी रही धूल में, उस किनकी को मत देख। मैं तेरे भाग्य की किनकी बोल रहा हूं, किनकी राजा खाए। दब गया बेचारा, अभी आने वाले सब दब गए, खत्म हो गया ना सबका भाग्य। अभी कोई बात ही नहीं कर सकता कि बाबा आना है। इसलिए जब चांस मिले गफलत नहीं करनी होती,
समझ की बात है, ऐसे ही होगा। वहां जाने के बाद भी कुछ बच्चे कहेंगे अगले मास में जाएंगे, तब तक बहुत बड़े हंगामे हो जाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएगा, शरीर छोड़ देगा। इसलिए श्रीमत जब बुलावा देती है वो मृत्यु का बुलावा है, काल का बुलावा है, उसे कभी छोड़ना नहीं है। श्रीमत है वो ड्रामा। अभी देखो ड्रामा किस दिशा में जाता है। अब सभी मौज करना, स्थिति बनाना, खुशी में रहना, विश्व सेवा करना श्रीमत अनुसार। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सभी मिलकर बहुत 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 ऊंची विश्व सेवा करो, सबका भाग्य जागृत करो और सबको भाग्य दो। अभी मैं वहाँ क्या कहूँ, वहाँ का तो पाठ बंद हो गया, इसलिए मैं यहाँ ही टोली दे रहा हूँ। और इसी टोली के लिए मैं कह रहा हूँ कि विश्व सेवा करो आप सभी मिलकर, और सबका भाग्य जागृत करो, सबको भाग्य दो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वहा, वाहरे मेरा भाग्य वहा, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। Shoot.
कितना है प्यारा प्यारा खुशबू के।